नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में कोरोना के मामलों में गिरावट आना शुरू हो गया है। ऐसे में अब बिहार में 1 से 10वीं तक के स्कूल खोलने को लेकर मांग शुरू हो गई है। निजी स्कूल के एसोसिएशन स्कूलों को फिर से खोलने की मांग कर रहे हैं। हालांकि शिक्षा विभाग इस मामले में मौन है और 1 से 10वीं तक के कक्षा को खोलने का फैसला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप का बता चुके हैं, क्योंकि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप में आपदा विभाग, स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग मिलकर तमाम परिस्थितियों के मद्देनजर फैसला करता है। यानी कि एक बात तो साफ है कि अगर स्कूल कॉलेज को खोलने का फैसला लिया भी गया तो यह अगले महीने ही संभव हो पाएगा, क्योंकि अगले महीने की 5 या 6 अगस्त को बैठक होने की संभावना जताई गई है। ऐसे में उसी दिन इस मुद्दे को लेकर कोई निर्णय लिया जाएगा। वहीं बिहार में 8 अगस्त तक अनलॉक 4 की प्रक्रिया जारी है। ऐसे में किसी भी नियमों में बदलाव की उम्मीद बिहार में फिलहाल कम है। वहीं अगर हम निजी स्कूल के एसोसिएशन की बात को समझे तो उनकी मांग भी जायज है, क्योंकि पिछले 1 साल में कोरोना के मामलों में देखे जा रहे उतार चढ़ाव के कारण शिक्षा व्यवस्था धरातल पर आ गई है। तमाम कोशिशों के बावजूद देश का भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए सरकार का एहतियाती रवैया भी अपनी जगह पर उचित है, क्योंकि बिहार समेत पूरे देश ने कोरोना की दूसरी लहर का दंश झेल लिया है और कितनी तबाही हुई है ये पूरे देश ने देखा है। हालांकि अब मामलों में गिरावट आ रही है और शिक्षा विभाग ने 10वीं से ऊपर की पढ़ाई शुरू करवा दी है। ऐसे में अब बिहार के निजी स्कूल एसोसिएशन कक्षा 1 से 10वीं तक के स्कूल खोलने की मांग कर रहे हैं। एसोसिएशन का कहना है कि अब कोरोना की स्थिति सामान्य हो गई है, बच्चों की पढ़ाई ज्यादा प्रभावित ना हो इसको ध्यान में रखते हुए सरकार को स्कूल खोलने का आदेश दे देना चाहिए। कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। ऐसे में कोरोना के नियमों की अनदेखी कितनी भारी पड़ सकती है इसका प्रमाण दूसरी लहर में देखा जा चुका है। शिक्षा मंत्री ने पहले ही यह आश्वासन दिया था कि छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फिलहाल 11वीं 12वीं कक्षा और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को स्कूल कॉलेज जाने की अनुमति मिली है। ऐसे में पहले इन बच्चों में यह देखा जाएगा कि कोरोना संक्रमण फैलने की परिस्थिति उत्पन्न हुई है या नहीं। अगर छात्रों के स्कूल कॉलेज जाने से कोरोना के मामलों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो बाकी के बच्चे कक्षाओं को खोलने की तैयारी की जाएगी। गौरतलब है कि बिहार सरकार की यह योजना है कि बिहार में चरणबद्ध तरीके से स्कूल का संचालन करवाया जाए, जिसके तहत सबसे पहले हायर एजुकेशन से जुड़े स्कूल और कॉलेज को खोला जाएगा, जिसके बाद अब नीचे के कक्षाओं का संचालन किया जाएगा। साथ ही कोचिंग खोलने पर अभी कोई खास फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन छात्रों की मांग लगातार उठ रही है कि अगर हायर एजुकेशन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है तो कोचिंग संस्थान भी खोले जाने चाहिए। वहीं स्कूल खोलने के मामले पर एम्स निदेशक रणदीप गुलेरिया के विचार भी निजी स्कूल के एसोसिएशन से मिलते जुलते हैं। रणदीप गुलेरिया का भी कहना है कि अब स्कूल को फिर से खोलने पर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि स्कूल को फिर से खोलने पर सहमत हो जाना चाहिए। स्कूल खोलने के कारण बच्चों के लिए सिर्फ सामान्य जीवन देना नहीं बल्कि एक बच्चे के समग्र विकास में स्कूली शिक्षा का महत्व बहुत मायने रखता है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि ऑनलाइन क्लास से ज्यादा बच्चों का स्कूल जाना बेहद जरूरी है। भारत में अन्य देशों की तुलना में कोरोना से संक्रमित बच्चों के मामले बहुत कम हैं। ऐसे में अब छात्रों को यह उम्मीद है कि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की अगली बैठक उनके लिए आशा की कोई किरण लेकर आएगी। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।